सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम मुकेश। सो गाइस आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं आप अपने वीवो S1 के फ़ोन में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कैसे करेंगे। जी हाँ गाइस, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो यूज कैसे करेंगे। तो गाइस इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको आ सके फुल इन्फॉर्मेशन समझ में। सो गाइस चलिए बिना देर के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस आपको अपने वीवो S1 के फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो एप्लीकेशन का नाम है ऑलवेज ऑन AMOLED। आपको यहाँ से प्ले स्टोर से इसे जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसे सिंपली ओपन करिए। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक। इसे ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स के निशान पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको एरो के निशान पर क्लिक करके आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं अलाउ करने के लिए। तो जितने भी ऑप्शन आप अलाउ करना चाहते हैं सब कुछ अलाउ कर सकते हैं, इसमें कोई जो है परेशान होने वाली बात नहीं। आप सिंपली ये सबको अलाउ करिए, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे एरो का निशान मिलता है, सिंपली क्लिक करिए। एंड गाइस क्लिक करने के बाद आपको मिलता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन, सिंपली आपको करना है क्लिक लेटर पर। एंड गाइस इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ये हो चुका है अनेबल। एंड गाइस इसके बाद आपको करना क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं कस्टम माइज वॉच फेस का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करिए। एंड गाइस आप यहां से चूज करिए क्लॉक स्टाइल, डेस्ट स्टाइल, और यहां से चूज करिए बैकग्राउंड स्टाइल। तो चूज कर लेते हैं एक एक करके सब कुछ, ठीक। एनालॉग डिजिटल, डिजिटल कर देते हैं, ठीक। इसके बाद डेस्ट स्टाइल हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पर अलाउ कर अलाउ पर क्लिक करिए। एंड इसके बाद हम इसे हिडन कर देते हैं, या तो टेक्स्ट ही कर देते हैं अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर पर चूज करके यहाँ से बैकग्राउंड जो है आप भी जो आपको पसंद आए सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करके प्रीव्यू ही आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं इसे कम करना, ज़्यादा करना, फुल, जो भी आप जिस जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक। इसके बाद सिंपली आ जाना आपको बैक। एंड गाइस इसके बाद बैटरी इंडिकेटर पर क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल, फ्लैट स्टाइल जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल रहने देता हूं, या तो हिडन कर देते हैं, ठीक, अच्छा लगेगा। एंड गाइस इसके बाद आपको मिलता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन, सिंपली आपको करना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक, और यहाँ से आपको चूज करना है फ़ॉन्ट स्टाइल। चलिए कोई अच्छी सी स्टाइल चूज कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मिलता है टेक्स्ट साइज का ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ से करना है सिलेक्ट साइज, ठीक। एंड गाइस यहाँ से इसके बाद ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट कलर का, सिंपली कलर पर क्लिक करके यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन, सिंपली प्रेजेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई अच्छा सा जो कलर यहाँ से चूज कर देंगे, जी जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन। एंड इसके बाद आपको लास्ट में एक काम करना है यहाँ पे मेमो टेक्स्ट का, सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपना नाम या मोबाइल नंबर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिंपली जो भी आप चाहते हैं, आप अपना नाम चाहते हैं या जो भी चाहते हैं, ठीक। सिंपली इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना, ठीक। एंड गाइस ओके पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। एंड गाइस मैं अब आता हूँ सिंपली होम स्क्रीन पर, और आपको अपना फ़ोन लॉक करके दिखा रहा हूँ हमारे फ़ोन में कैसा प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, ठीक। तो चलिए मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन को जो है लॉक किया। एंड गाइस देख सकते हैं फ़ोन को लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम, इसके बाद आपको दिख रहा होगा February 5 जो है फ्राइडे, इसके बाद आपको मेरा नाम भी दिख रहा होगा जो मैंने नाम दिया है। तो सिंपली देख सकते हैं जिस जब तक मेरे फ़ोन इस तरीके से लॉक रहेगा सिंपली ये ऐसे ही शो होगा, ठीक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के रूप में। जब तक मैं इसको ओपन नहीं करता हूं तब तक ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के रूप में इस तरीके से शो होगा। तो चलिए मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूँ, ठीक। तो चलिए ये देख सकते हैं फ़ोन अनलॉक्ड विथ फिंगरप्रिंट, मैंने फ़ोन को फिंगरप्रिंट लगाकर अनलॉक किया, ठीक। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप भी सिंपली सेम इसी तरीके से, वेरी इजी है, तो इस तरीके से आप भी इस स्टेप को फॉलो करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। तो गाइस यार अगर हमारी वीडियो और पसंद आई, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसी धमाल मचाने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।